बहुत शोर नहीं आ रहा हर जगह से। हाँ जी। गुड बॉय यूरी। एंड्स। So, अगर आप अभी तक किस डे, प्रॉमिस डे, हग डे, चॉकलेट डे, टेडी डे से बोर नहीं हुए हो तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। इस साल मैंने सोचा है कि मैं वैलेंटाइंस डे के लिए थोड़ी सी स्पेशल कुकिंग करने वाला हूँ ऑल डे। एंड प्रॉब्लम ये है कि थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस हो गए मेरे दिमाग में, मैंने बहुत सारी चीज़ें गूगल कर ली हैं। सो आई हैव अपॉइंटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन विद द टास्क, ये आपका बात हो रहा है बाबू, थोड़ा बी इम्पॉर्टेंट, विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ फाइनलाइजिंग कि मैं एक्चुअली हर मील के लिए क्या कुक करूँ। यूरू, आर यू रेडी? आर यू रेडी? एंथुजियाज्म इस वक्त थोड़ा सा लो है बिकॉज योडा थोड़ा सा बोर हो चुके हैं विद हग डे, किस डे, प्रॉमिस डे, बट बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह गॉड, योडा इज लीस्ट इंटरेस्टेड। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है एग हार्ट टोस्ट बेसिकली, जिसमें ब्रेड में एक हार्ट बना के उसके अंदर एग कुक किया है, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज हार्ट आई इमोजी पैनकेक, जो कि मैंने पहले बनाए हुए हैं एंड आई लव देम। सो दो चिट्स हैं और दोनों में है ऑप्शंस, एंड अब मैं योडी को डिसाइड करने दूंगा कि हम क्या कुक करेंगे। योडू, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बी रिस्पॉन्सिबल, इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। ओ यू आर रेडी? ओके योडा, योडा इज कंसिडरिंग बोथ ऑप्शन, बट आई थिंक योडा ज्यादा कीन इस पे मुझे लग रहा है। योडा पिक वन नाउ, पिक वन, चलो वन फर्स्ट जिस पे वो करेगा, ठीक है। ओके योडा वॉन्ट्स टू मेक दिस, आई मीन वॉन्ट्स मी टू मेक, ये तो कुछ काम करेगा नहीं। एंड इस चिट के अंदर है हार्ट टोस्ट, सो थैंक यू योडा, दैट इज वॉट आई विल मेक फॉर ब्रेकफेस्ट, फॉर मी नॉट फॉर यू। सो क्लियरली आई एम रेडी टू स्टार्ट कुकिंग माई वैलेंटाइंस डे स्पेशल मील्स, एंड यहाँ पर है मेरे पास वाइट ब्रेड, बट बिकॉज मेरा हार्ट कटर काफ़ी स्मॉल है, मैं नाइफ से इसमें हार्ट काव आउट करने वाला हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई एम सो ग्लैड कि योडा ने ये रेसिपी सेलेक्ट करी है बिकॉज ये आई थिंक काफ़ी साल पहले वायरल हुई थी बट मैंने कभी ट्राई नहीं करी। एंड देयर वी गो, हार्ट कैविटी इज रेडी, एंड अब मुझे दोनों साइड्स पर मेयो अप्लाई करनी है। एंड इसे मैं कुक करने वाला हूँ ऑन माई वेरी स्टाइलिश, माई फेवरेट, द आर्टिजनल स्टाइल पैन। पैन को ग्रीस करने के बाद आई एम गोना कीप the bread on it. So mera slice dono taraf se toast ho chuka hai. Ab heart cavity mein I'm going to put one egg. And ab ise hum properly cook hone denge. And that's it. You're already kaafi cute lag raha hai. Iske upar I'm going to put some salt and some pepper. All right, so my heart toast is ready, and I know ये heart ज़्यादा heart नहीं लग रहा है, but that's okay because in my heart I know that this heart is a heart. And इसको मैं top करने वाला हूँ with some capers. So good. And I love how it looks so pretty. And agar heart perfect aata, it would have looked even better. But it's so simple to make. I'm gonna rate this recipe a 10 on 10. And I think it's perfect for Valentine's Day breakfast. Especially if agar aapki kitchen skills itni zyada amazing nahi hai, like mine when it comes to savory. So I think this makes for a great option. All right, lunch ka time ho gaya hai, and lunch ke liye Yodi, we have two options. One option is a pink sauce pasta, and dusra option thoda healthier hai, jo ki hai ek heart avocado salad. So Yoda, dekho saaf si baat hai, agar mujhe tumne salad khilwaya to tumhe bhi khichdi milegi lunch mein, and agar mujhe tum pasta choose karke de dete ho to shayad aaj tumhe chicken mil jaye. Okay, so select carefully, no blackmail. एक को सेलेक्ट करो,
योडा को इसी ओके ओके सो योडा वांट्स दिस एंड योडा तुम्हारा लंच भी इस पे डिपेंड हो रहा है आज बहुत ज्यादा पास्ता गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय यूरी चोशुई चाचा अच्छे से हैंड मार मार के सेलेक्ट किया वंडरफुल सो एज इंस्ट्रक्टेड बाय योडा लंच के लिए मैं बनाने वाला हूँ पास्ता एंड बिकॉज ये वैलेंटाइंस डे पास्ता है मैंने ऑर्डर किया ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बीटरूट पास्ता जिसका ऐसे काफ़ी ऐसे वैलेंटाइनी रेडिश पिंक कलर है एंड वो बॉयल करके ऐसा हो गया है तो सबसे पहले इस पास्ता को डाल देते हैं इन अ बोल एंड बाय द वे आई एम गोइंग टू डू एन आलियो ओलियो स्टाइल पास्ता बिकॉज आई लव इट एंड आई थिंक इट बी ग्रेट स्पेशली विद दिस रेड एंड इसमें मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा सीजनिंग एंड सम सॉल्ट एंड फाइनली सम ब्लैक पेपर सो यहाँ पर मेरे पास मेरा स्टाइल माइक्रो पैन है जो कि एज यू कैन सी बहुत ही क्यूट है बट इट्स ऑल्सो फंक्शनल एंड विच आई लव इसको आप सर्ववेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हो बट आज मैं इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑफ ऑलिव ऑयल और इस ऑयल को हीट करके इसमें डालेंगे गार्लिक आई एब्सोल्यूटली लव दिस पैन बिकॉज ये परफेक्ट है सिंगल सर्व कुकिंग के लिए एंड ये ओवन सेफ भी है सो आप इसको ओवन में भी यूज़ कर सकते हो ऑयल गर्म हो गया है इसके अंदर आई एम गोना ऐड सम गार्लिक सो ये कुक हो गया है एंड द किचन इज स्मेलिंग सो गुड एंड नाउ आई विल पोर माय ऑयल एंड गार्लिक ओवर द पास्ता एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ चीज एंड उसके बाद वी विल टॉस एवरीथिंग टुगेदर सो मेरे बीटरूट पास्ता की टेस्टिंग के लिए मम्मी भी इनवाइटेड है बिकॉज मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है एंड स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है सबसे पहले तो आप अप्रिशिएट करना चाहोगे मेरा आइडिया ऑफ यूजिंग बीटरूट पास्ता बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस डे बहुत टेस्टी है ओह गॉड यम्मी एंड ऑनेस्टली इवन इफ यू डोंट गेट बीटरूट पास्ता अगेन बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है विद वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स तो आप इसको किसी भी पास्ता के साथ कुक कर सकते हो मम्मी अप्रूव्ड 100% अप्रूव्ड And this will make anyone happy. So try it out, Valentine's Day or not. Love yeah. it. So lunch is done and अब time है dessert का. Dessert में basically दो बहुत ही interesting options हैं. मुझे genuinely योजा. This time I'm quite chill because मुझे दोनों चलने वाले. अभी रुको. मुझे दोनों options चलेंगे. One is a heartbreak cake जो कि बहुत ही ज़्यादा. अब already बाबू wait. बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है बिकॉज उसमें एक हार्ट शेप चॉकलेट केक बना के उसको बीच में से क्रैक करके ऐसे शुगर शार्ड्स डाले हुए हैं आई लव द लुक एंड मेरा बहुत मन योरा भी रुको बाबू बहुत ही मन है वो बनाने का एंड दूसरा इज़ चॉकलेट पफ पेस्ट्री हार्ट्स जो कि काफ़ी यम होने वाले हैं सो योरा नाउ इट्स फॉर यू टू ये क्या हो गया हाँ मुझे पता चल गया कौन सी चिट में क्या है नो चीटिंग बट योरी ये ओके 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 एंड योरा हैज सिलेक्टेड चॉकलेट पफ पेस्ट्री हार्ट्स मेरा काम आसान कर दिया इजियर रेसिपी योरा ने पिक करी है लेट्स मेक दिस सो आई एम अ लिटिल हार्ट ब्रोकन कि योरा ने मुझे ब्रोकन हार्ट केक नहीं बनाने दिया बट इवन द पफ पेस्ट्री हार्ट्स ऑनेस्टली साउंड अमेजिंग तो मैंने पफ पेस्ट्री शीट को रोल करके कट करके उसको हार्ट शेप में बेक कर लिया है एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी क्यूट एंड फ्लेकी ऑलरेडी इसके साथ आई वॉन्ट टू सर्व अ चॉकलेट सॉस तो वो बनाते हैं इन माई माइक्रो स्टाइल सॉस पैन आई एम फर्स्ट गोइंग टू ऐड सम मिल्क एंड सम बटर एक्सक्यूज मी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मिनिएचर कुकिंग चैलेंज कर रहा हूँ बिकॉज सब कुछ इतना ज़्यादा टाइनी टाइनी एंड क्यूट क्यूट सा है यहाँ पे बटर और मिल्क मेल्ट हो रहा है यहाँ पर इन अ बोल आई एम गोइंग टू ऐड सम कोको पाउडर अलोंग विद सम शुगर एंड सम मैदा इसको एक बार क्विकली विस्क करके आई विल पुट इट इन माय बटर एंड मिल्क वाला मिक्सचर And my chocolate sauce is ready.
सो मेरे पफ पेस्ट्री हाथ रेडी है एंड बहुत ही अडोरेबल लग रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग देम. मैं अबाउट 3 रखने वाला हूँ इन वन प्लेट एंड देन वील पोर द चॉकलेट सॉस ऑन टॉप. I am so excited about this because ये genuinely बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ी डिजर्ट मेसी है बट आई लव ऑल द एलिमेंट्स. बहुत ज्यादा यम है एंड आई जस्ट फील दैट चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी इज वेरी वैलेंटाइन्स. हार्ट शेप्ड है. आई थिंक इट्स परफेक्ट एंड इट्स ऑल्सो सिंपल टू मेक. डेफिनेटली डिजर्व्स अ 10 ऑन 10. इट्स परफेक्ट फॉर वैलेंटाइंस डे. टाइम फॉर माई फेवरेट मील ऑफ द डे विच इज स्नैक. एंड स्नैक के लिए भी मैंने दो बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करे हैं. एक है रेड वेलवेट पॉपकॉर्न जो कि सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है. नो आइडिया है कैसा टेस्ट करेगा. एंड द अदर ऑप्शन दैट आई हैव इज दिस वेरी टेम्पटिंग हार्ट शेप फ्लेमिंग हॉट चीटोज मोज़रेला सिचुएशन. इसका ओनली प्रॉब्लम है इसके चीटोज मंगवाने पड़ेंगे 600 रुपए के. बट दैट्स फाइन फॉर वैलेंटाइंस डे. हम इतना कर सकते हैं. बट फाइनल डिसीजन लाइज विद योडा माइस्टर. सो योडा. पर मुझे लग रहा है योडा ना सिर्फ ये हैंड वाला पिक कर रहा है तो ये थोड़ा सा इश्यू हो रहा है. योडा आई होप बहुत ही ऑर्गेनिकली पिक कर रहे हो. योडा सो स्मार्ट. इस बार इसने हैंड वाला पिक किया है एंड Yoda has selected red velvet popcorn. I'll be honest, इससे पहले मैंने red velvet popcorn के बारे में कभी भी नहीं सुना था. It sounds interesting. Let's see कि actually जितना pretty दिख रहा है उतना tasty भी है कि नहीं. So in my star saucepan here, I'll first add some brown sugar. साथ में थोड़ी सी corn syrup. काफी unhealthy popcorn recipe है. Along with साथ में थोड़ा सा कोको पाउडर एंड सम बटर एंड नाउ वील कुक ऑल ऑफ दिस टुगेदर. एंड अब इसके अंदर हमें डालना है रेड फूड कलर जो कि मुझे काफी डाउटफुल लग रहा है क्योंकि इसका ऑलरेडी इतना डार्क ब्राउन कलर है. बहुत ही डाउटफुल है मुझे कि ये रेड आएगा भी कि नहीं. थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा एंड एज आई सेड ये पॉपकॉर्न रेसिपी थोड़ी ज़्यादा ही अनहेल्दी हो रही है. लेट्स सी. एंड फाइनली इसके अंदर डालेंगे पॉपकॉर्न. एंड नाउ वी शैल कोट ऑल द पॉपकॉर्न. ये गंदा सा लग रहा है. इन दिस रेड वेलवेट मिक्सचर. एंड अब इन पॉपकॉर्न को मैं ट्रांसफर करूंगा ऑन अ बेकिंग ट्रे लाइंड विथ सिलिकॉन मैट. एंड इसको हमें बेक करना है अभी. ड्राई आउट करेंगे अवन में फॉर अबाउट 30-40 मिनट्स. एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं. अगर मुझे पता ना हो कि इसमें कितनी कॉर्न सिरप ब्राउन शुगर फूड का अलग है. जस्ट फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. लेट्स पुट दिस इन द अवन. मम्मी मैंने अपने खून से आपके लिए पॉपकॉर्न बनाया. क्या डालोगे? हाउ अनएपेटाइजिंग. ये लो. हम उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं. हाँ. और तू ये बोल रहा है? हाँ, ये लो. कितना गंदा बच्चा है. खूनी पॉपकॉर्न है शिव आपके साथ. खाओ ना. ये एक्चुअली मतलब थोड़ा लो की हैलोवीन टाइम्स वाइब मुझे से आ रही है. वैलेंटाइंस डे कम थोड़ा हैलोवीन ज्यादा लग रहा है. चलो बट क्यूट तो है. क्यूट तो है पर डिस्क्रिप्शन क्यूट नहीं है. चलो चलो जल्दी खाओ. ओहो ठीक है. ओ वाओ अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी. वेरी नाइस. क्रिस्पी तो हैं. अच्छे लग रहे हैं. अच्छे भी लग रहे हैं बट आपको पता नहीं इसमें क्या क्या गया है. इसलिए आपको अच्छे लग रहे हैं. मतलब ऑनेस्टली जितना इसमें मतलब सच्ची में खून गया है. नहीं नहीं कॉर्न कॉर्न सिरप गई है बहुत सारी. शुगर गई है. रेड कलर गया है. अच्छा तो आई मीन इतने तो कोई यमी नहीं है. हेल्दी चीजें. हाँ मतलब नॉर्मल या तो नॉर्मल पॉपकॉर्न जैसा ही टेस्ट कर रहे हैं या फिर आप अगर या फिर चॉकलेट पॉपकॉर्न बना लो. मतलब ऐसा कुछ क्रेजी तो नहीं हो रहा है. नॉर्मल टेस्टिंग है. इसको आई एम गोना रेट एंड 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज बुरे नहीं है. एंड अगर आप इससे
फुल वैलेंटाइन थीम स्प्रेड बना रहे हो तो इसमें इट कुड बी अ ग्रेट एडिशन। आप रेट करो। सही 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 क्या रेट करो? हाँ, मैं भी 8 You did the popcorn boy. So it's finally time for the last meal of the day, which is dinner. And dinner में मेरे पास दो options हैं। या तो मैं order in करूँगा एक heart shaped pizza, या फिर मैं घर पे बनाने वाला हूँ heart shaped fried potatoes. दोनों options मेरे पास इस chits पर है। And the final decision, as always, Yoda, Bubbles, Yodi. ऑप्शंस उन्होंने कंसिडर कर रहे हो ना? आई थिंक अब तक वो बोर हो गए, कह रहे मुझे ना इस काम के पैसे मिल रहे हैं। यूरी, अच्छा आपको मिलेंगे पैसे, आप सिलेक्ट करो कौन सा, ये? ओके 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 फाइन, पिज्जा नाइट, हार्ट शेप्ड पिज्जा। थैंक यू माय लिटिल यूरी पाई। आज का बेस्ट डिसीजन बाय योडा, माय पिज्जाज आर हियर एंड दे लुक अडोरेबल। मैंने सोहो पिज़्ज़ेरिया से ऑर्डर करे एंड दे स्पेशली मेड दीज वेरी क्यूट हार्ट शेप पिज्जाज फॉर मी। वन इज विद ऑल द यमी वेजिटेबल्स, आई कैन सी पेपर्स एंड मशरूम एंड आर्टिचोक्स, एंड द दूसरा वाला इज माय फेवरेट व्हिच इज द बुराटा पेस्टो पिज्जा। अब आई एम गोना हीट देम एंड ड्रिजल सम चिली ऑयल ऑन टॉप एंड ईट देम। Honestly, पूरा दिन सारे मील्स खुद कुक करने के बाद रात को अगर डिनर में इतने क्यूट हार्ट शेप एंड इतने यमी पिज्जास घर बैठे हुए मिल जाए, ऑनेस्टली नथिंग लाइक इट। आई एम सो ग्लैड योडा पिक दीज, अदरवाइज मैं अभी हार्ट शेप फ्राइड पोटेटोज बना रहा था जो कि यमी होते फॉर श्योर, बट इट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ वर्क। I am gonna now enjoy my pizza, guys. I hope you guys enjoyed watching my Valentine's Day special video. And उसके बाद मैं योडा को भी एक बहुत बड़ी सी हग देने वाला हूँ, because मैंने अपने सारे meals आज के enjoy करे। बस जो snack था red velvet popcorn वो थोड़ा questionable था, but at least I tried something new and I had a lot of fun. If you guys enjoyed watching this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. And I'm sure अब सबका पिज्जा खाने का मन कर गया होगा ये वीडियो देख के, तो वो भी ऑर्डर कर लो। I'll see you guys next week.